हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं कार गुरुजी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार मार्केट भारत में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड पूरे साल 2023 में 92,344 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं हमारे भारत में। एंड इन 92,344 गाड़ियों में से किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 7th पोजीशन पर आई है किया, जिसने कुल 658 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में भारत में। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है ह्युंडई, जिसने 1729 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में पूरे भारत में। वहीं इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है BYD, जिसने कुल 2078 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में भारत में। नंबर 4th पोजीशन की बात करें तो वो है सिट्रोइन, जिसने 2360 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में भारत में। इसके बाद नंबर 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसने कुल 6,231 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में भारत में। महिंद्रा ने अभी रिसेंटली XUV400EV को अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसके इंटीरियर में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं। नंबर 2nd पोजीशन की बात करें तो वो है MG, जिसने 12,598 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में भारत में। MG ने लास्ट ईयर ही कॉमेट EV को लॉन्च किया था एंड एक छोटी EV लाने का प्लान MG का काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद 2023 के मोस्ट सेलिंग EV कार ब्रांड के बारे में बात करें तो वो है टाटा मोटर्स, जिसने 66,690 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं पूरे साल 2023 में हमारे भारत में। टाटा मोटर्स पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स के साथ इलेक्ट्रिक कार मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बात तो सही है। एंड अभी रिसेंटली टाटा ने पंच EV को भी काफ़ी प्रीमियम लुक्स एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे 2023 के मोस्ट सेलिंग EV कार ब्रांड्स हमारे भारत में। एंड आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।